रखौर मुंगेली से है, जहां पर विपणन विभाग की लापरवाही से हजारों क्विंटल धान सड़कर खराब हो गया है और इसका जिम्मेदार विपणन विभाग है। समिति के कर्मचारियों का कहना है कि 28 फरवरी तक केंद्र से धान को उठा लेना चाहिए था, मगर नहीं उठाने के कारण करोड़ों रुपए का धान खराब हो गया है। वहीं विभाग के अधिकारी समिति के कर्मचारियों पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। जिले में विपणन विभाग की लापरवाही की वजह से जिले भर में 50,000 क्विंटल से भी अधिक का धान बारिश में और उठाव समय पर उठाव नहीं होने की वजह से सड़कर खराब हो गया है। आप यहाँ के प्रबंधक है श्रवण कश्यप, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये किस तरीके की स्थिति थी जिसके चलते आज ये धान पूरा खराब हुआ है। सेवा सहकारी समिति ग्रोइन डबरी में 59,303 क्विंटल की खरीदी हुई थी, जिसमें लगभग 50,000 क्विंटल परिवहन हुआ है और अभी भी लगभग 8,500 क्विंटल धान शेष पड़ा हुआ है। और ये जो धान सड़ने की बात है तो परिवहन नहीं होने के कारण समय में शासन के द्वारा हमें अनुबंध प्राप्त दिया जाता है कि 72 घंटे के अंदर उठाव किया जाएगा, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है और 28 फरवरी तक के पूर्ण रूप से उठाव कर ले जाएगा करके बोले थे। विभागीय अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी जाती होगी आप लोगों के द्वारा कि उस समय पर उठाव नहीं होगा तो शॉर्टेज आएगी, तो क्या जवाब मिलता है? इसके लिए विभागीय कर्मचारी को उच्च अधिकारियों को मेरे द्वारा बार बार मौखिक रूप से एवं पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि धान का परिवहन जल्द जल्द कराया जाए करके, ताकि जितना ज्यादा हो सके जीरो शॉर्टेज लाया जा सके, लेकिन किसी भी अधिकारियों के द्वारा सही समय में ध्यान नहीं दिया गया और अगर सही समय में परिवहन हो जाता तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। सही समय में यहाँ पास आपके केंद्र में धान का उठाव नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो बड़े पैमाने पर हुआ है, तो अब इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? अब इसकी भरपाई के लिए हम ही को नोटिस जारी करेगा या फिर FIR करेगा पटाने के लिए, जबकि इसके लिए जवाबदार हम नहीं है। इसके लिए जवाबदार रहेंगे विपणन संघ और परिवहन कर्ता, क्योंकि समय पर उठाव नहीं किया गया है। हम पूरे ईमानदारी के साथ धान खरीदी करते हैं, लेकिन अगर समय पर उठाव हो जाता तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती अभी तक। तो कहीं ना कहीं ये विभागीय अधिकारियों का कर्मचारियों पर जिस तरीके से दबाव है वो भी एक सवाल खड़े करता है। देखिए हमारे पीछे में बड़े पैमाने पर यहाँ धान की जो बल्लियां हैं वो रखी हुई है और यहाँ पास न तो सही तरीके से उठाव हुआ है और न तो बारिश में, जैसे बारिश भीगने के लिए भी, क्योंकि अपने स्तर पर यहाँ के कर्मचारियों ने ढकने की व्यवस्था की, लेकिन प्रशासन स्तर पर जितना व्यवस्था किया जाना चाहिए था वो भी नहीं किया गया है, जिसके चलते मुंगेली जिले के सिर्फ ग्रुवाइन डबरी नहीं बल्कि कई केंद्रों पर धान जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस। सीधी जिले के मिलिया थाने में 3